विजयनगर से एयरपोर्ट की ओर दौड़ रही लग्जरी कार में अचानक आग लग गई, जहां कार चालक जान बचाकर कार से बाहर निकलकर भागा और चंद मिनट में आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुपर कॉरिडोर रोड पर आज एक बड़ा हादसा टल गया, जहाँ लग्जरी कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि गुजरात पासिंग कार विजयनगर क्षेत्र से एयरपोर्ट की ओर दौड़ रही थी। कार के अंदर कार चालक अकेला ही था, जिसे कार में आग लगने की भनक लगते ही वह तुरंत कार से बाहर भागा और थोड़ी ही देर में कार ने आग की लपटें उठने लगी। वहीं मौके पर मौजूद लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जहां दमकल वाहन ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि कार का अधिकतर हिस्सा जलकर खाक हुआ। कार में संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग जलने की घटना होना बताया जा रहा है। वहीं मौके पर बाणगंगा पुलिस भी पहुंची, जो की जाँच में जुटी है। अरे पता नहीं कहाँ से लगा है, वो एक भाई साहब जा रहे थे तो मैं अपनी गाड़ी ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।